अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ क्योंकि पेपर ट्राई किया ना, थोड़ा अगर गड़बड़ हो जाए तो समझ लीजिएगा कि सराकी भाई है। आज की वीडियो जैसे कि है कि आपको पता है कि आज की वीडियो का थंबनेल भी आपने देखा कि उस लड़की के साथ शादी ना करो। हाँ भाई, उस लड़की के साथ शादी क्यों ना करो जो आपकी एक बात नहीं मानती। तो मसला यही है, आपके रिश्तेदारों में है या दूर की है, आपके घर वाले उसके पास जाते हैं, उनके घर वालों के पास, और शादी की डेट मांगते हैं, मगर आगे से ये जवाब आता है कि हमारी बच्ची ना स्टडी कर रही है, अगर आपको जल्दी है तो अपना शादी कर लो, मगर ये स्टडी अपनी जारी रखेगी या कोई डॉक्टरी कोर्स है वो ही जारी रखेगी, कुछ भी है। तो मेरा तो यही मशवरा है, अगर आप चाहते हैं कि वो सब कुछ करे, आपका जहन मानता है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है भाई, उसी से कर लो। अगर आपका जहन नहीं मानता, आप ये कहते हैं कि अभी मेरी इज्जत है, अभी जहां मैं कहूंगा वहीं जाएगी, या जैसा मैं करूंगा कहूंगा वैसा करेगी, तो उसके खाने पीने के लिए सब कुछ बहुत है, मेरी भी इतनी जॉब है या मेरे जानवर हैं या कारोबार है, कुछ भी है, तो अगर आप नहीं चाहते तो फिर शादी ना करें। आपका जहन नहीं मिल रहा ना, आप कहते हैं वो कुछ ना करे शादी के बाद, बस घर का काम काज और बच्चों की देखभाल करें, जैसे बच्चे हो जाएंगे तो फिर शादी ना करें। अगर आपका जहन मानता है कि ठीक है काम करे तो फिर कर लो। वजह यही है, शुरू में आपका जहन मैच करना चाहिए, मानना चाहिए एक दूसरे को।